So the last time I checked in, we were done with the COVID test and we got our reports, and that was COVID negative, which is great. And now we checked with few of the guide. So they would tell us different kind of options, like for one day, what is the amount, how many people are there. So we got in touch with one of the guide and we bargained a little bit. He was initially telling one room, one day, one night for $1,000, and we were able to convince him for 600 rupees. And you can keep your extra bags in the hotel room. They would not charge you anything extra for it. So we came to the Yatra Parchi counter near bus stand to get our Yatra Parchi. You can also register online at maavaishnodevi.org to get your Yatra Parchi beforehand. It would be more convenient because you don't have to stop anywhere in between. So we have got our Yatra Parchi. Think positive. But don't be COVID positive. क्या कैप्चर करना चाह रहे हो? ये खूबसूरत वादियाँ। So finally हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने खाना खा लिया है और अब हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। All ready to go. Yay! लात पीछे लाते हैं, पीछे पीछे पीछे। लात मारते हैं। अंजनी आपको लात पड़ी है? पड़ी है इसका मतलब। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वाओ कितना प्रिटी लग रहा है वो देख तो ना हमें वहां पहुंचने वहां देख हाँ सो द फर्स्ट स्टॉप इज चरण पादुका चरण पादुका का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अंदर जाए माथा टेके वहाँ पे माता रानी के पैरों के इम्प्रेशन भी है पायल से सराउंडेड है तो आप उसे ज़रूर देखें और ज़रूर यहाँ पे माथा टेक के अपनी जर्नी स्टार्ट करें चलो चलो भागो हाँ जोर से बोलो भाई मंजरी आवाज नहीं आई बोले सच्चे दरबार की जय चलो चलो आगे चलो 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 चलो
और गाइस क्या अपडेट है, हम अर्ध कुमारी भी नहीं पहुंच पाए, पहुंच गए यार अब तो 3 घंटे में हम अर्ध कुमारी नहीं पहुंचे, हम अर्ध कुमारी पहुंच गए, हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, हम बिल्कुल नहीं थके, वी आर फुल चार्ज, सी द ग्लो, जयकारा केरावाली माता का, काचे द्वार की जय, जयकारा दिल्ली वालों का एक डायलॉग है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड टच वुड, क्या पिक आई है। हाँ सही में संचू भी बहुत, ये टच वुड, टच वुड करते बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, चलो जो भी है टच वुड, वाह ये वुड ही नहीं है पर फाइनली अंजनी हम अर्ध कुमारी पहुंच गए हैं, ये रहा अर्ध कुमारी, चार घंटे में नहीं जी 3 घंटे में, जस्ट फ्री आवर्स, चलो चले, बुलावा आया है माता ने, माता ने बुलाया है, जोर से बोलो जय माता, फिर से बोलो जय माता, सारे बोलो जय माता दी, ये देखो यहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होके ठंड में एक दूसरे को गर्मी दे रही है, वाह, लोग अर्ध कुमारी पहुँच गए हैं और अपना नंबर लगा लिया है, अभी ग्रुप नंबर 515 चल रहा है एंड हमारा 585 है, और अंजनी कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम अर्ध कुमारी पहुंच चुके हैं, ये और बहुत अच्छी भाई वाली है और लोग भी कम है, लोग भी कम है तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा भाई, 10 o'clock चांसेस हो सकते हैं कि हम नंबर हमारा अपना स्लॉट मिस कर दे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है, अब हम क्या करेंगे अंजनी, अब हम कॉफी पियेंगे, कॉफी मैगी, मैगी गाइस, डू यू नो दिस कि आप मैगी के साथ रोटी भी खा सकते हैं, और ये वो 3 लोग हैं जो मैगी के साथ रोटी का एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, कैसा लगा आपको, ये पुरानी रोटी, हमने सोचा नहीं था कभी रोटी खाने, तो इट्स 125 एंड हमने रूट लिया है स्टेयर्स का और हम स्टेप्स चढ़ते, आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड 300 स्टेप्स, ठीक है अब हमसे चढ़ान चढ़ी नहीं जा रही है और हमें भवन पहुंचना है किसी भी हालत में सही टाइम पे, तो दिस इज द बेस्ट वे वी कुड ऑप्ट फॉर, तो वी विल अपडेट यू नाउ वंस वी रीच भवन, सी द ब्यूटी, इफ यू कैन सी इट, मेहनत तो है, तो गए हैं बहुत ज्यादा, सही में अभी भी बचा है 2 किलोमीटर, 1.5 भाई, ये 1.5 2 के इक्वल भी है, टोटल 12 किलोमीटर्स टू भवन और भैरव मंदिर के लिए अलग आई थिंक 2-3 किलोमीटर से ऊपर, बट वो बहुत ऐसे खड़ी चढ़ी, ये चीज क्या सुना था, सो फाइनली हम प्रसाद हॉल में हैं एंड हम अब प्रसाद खा रहे हैं विथ चाय, सही बात है, सो तो गाइस आप हमारी स्माइल से देख सकते हो कि हमारे दर्शन कितने शानदार हुए हैं, तो लगा तो मतलब फर्स्ट टाइम था, इसका फर्स्ट टाइम था और तनु इसका सेकंड था, बट बहुत छोटे में गई थी, तो कैसे रहे दर्शन, वाइब भी डिफरेंट थी, वहाँ की वाइब भी कुछ ऐसी होती है कि बिल्कुल लगता है कुछ तो हो गया पूरी बॉडी में वाइब्रेशन सा, और लाइक कैसा भी मूड हो ना बिल्कुल चंगा हो जाएगा, कितने भी थके हो गए ना बढ़िया हो जाओगे, फुल पावर आ जाएगा। तो अब हमें नेक्स्ट जाना है भैरव मंदिर
और भैरव मंदिर में अभी आरती हो रही है तो 8 बजे तक का एंट्री नहीं हो सकती, बट हाँ भैरव मंदिर पहुँचने के लिए टाइम लगता है तो हम थोड़ा सा रेस्ट करके फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम सागर रखना है एंड अब हम पीने वाले हैं कॉफ़ी एंड डोसा।